नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में चार चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और चार चरण में लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ एक आंकड़े सामने आए हैं इन चार चरणों के मतदान के बाद, और ये आंकड़े अपने आप में योगी आदित्यनाथ की सरकार को डराने का काम कर रहे हैं। साफ साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार फंस चुकी है। क्या है आंकड़े, किस तरह से आंकड़े निकल करके सामने आए, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन जरा आप देखिए, इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में ये 1090 चौराया है। लखनऊ में एक बात खास है, आप किसी से पूछिए कि आपको पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ का क्या काम दिखता है, तो आप ये देख रहे हैं, आई लव लखनऊ। लोग कहते हैं इस तरह का कोई काम है वो दिखने लगा है, जहाँ पे फोटो वोटो खिंचवाने का जो चलन है वो दिख रहा है। वरना आप वो देखिए, सामने देखिए बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, ये मायावती जी की सरकार के द्वारा बनवाया गया। ये पीछे आप देखिए, इधर दिखाइए, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो मायावती जी की सरकार के द्वारा बनवाया गया। गोमती रिवर फ्रंट, उसकी अगर आप बात करेंगे, इसमें अभी तस्वीरों में नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन गोमती रिवर फ्रंट की अगर आप बात करेंगे तो गोमती रिवर फ्रंट जो है वो अखिलेश की सरकार के द्वारा बनवाया गया। जिनेश्वर पार्क जो है उसकी अगर बात करेंगे तो वो अखिलेश की सरकार के द्वारा बनवाया गया। योगी आदित्यनाथ के द्वारा कौन सी एक ईंट रखी गई, आप यहाँ पर किसी आइसक्रीम वाले से भी पूछेंगे जो यहीं पर रहता है, 24 घंटे भी रहता है, उससे भी पूछेंगे, वो कहेगा साहब काम नहीं हुआ, बस एक लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू बना दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक कर दिया, कानून व्यवस्था ठीक कर दी, पहले गुंडागर्दी थी अब गुंडागर्दी नहीं है, बस एक जो है वो रट्टा लोगों के हाथ में पकड़ा दिया, नई एक ईंट लखनऊ में नहीं रखी गई। अब आंकड़ों पर बात करते हैं, धीरे धीरे चलते रहेंगे, चारों तरफ से धीरे धीरे आपको दिखाते रहेंगे और आंकड़े क्या हैं, कैसे ये आंकड़े योगी आदित्यनाथ की सरकार को डराने वाले हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, भास्कर ने जो है इस पर अच्छी स्टोरी की है। भास्कर ने लिखा है कि 59 सीटों का ये एनालिसिस है आपके सामने, और पिछली बार से जो है वो 2% कम वोटिंग हुई है। 2017 में 5% जो है वो मतदान बढ़ा था, और उसके बाद में बीजेपी को जो फायदा हुआ था वो 48 सीटों का फायदा हुआ था, लेकिन इस बार 2% वोटिंग जो है कम हो गई। 2017 में ये वोटिंग 5% बढ़ी थी, और उस 5% वोटिंग बढ़ने की वजह से बीजेपी 3 सीट की बजाय 48 सीटें और जीत करके 51 सीट जीत गई थी, लेकिन अब की बार जो है ये मार्जिन कम रहा है। इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी है, क्या कहानी है, वो आपको बताएंगे। तो बहरहाल नीचे आप देखिए 59 सीटों के अतीत और भविष्य का आकलन। अब अतीत में अगर आप जाएंगे 2017 में, जहां पर 51 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी, तो 62% जो है वो पोल हुआ था। 2012 में कम हुआ था पोल, और उस वक्त में बीजेपी को मात्र 3 सीट मिली थी और समाजवादी पार्टी को 39 सीट मिली थी। यानी कमोबेश स्थिति जो है वो बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसी बसपा की थी 2017 में 4 सीटें, वही स्थिति जो है वो 2012 के अंदर बीजेपी की थी 3 सीटों के साथ में। 2007 की अगर आप बात करेंगे तो 2007 में 49% जो है वो वोट शेयर रहा था, और बीजेपी को 9 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 17 और बीएसपी को 27 सीटें मिली थी। तो ये 3 चुनाव का जो है वो सर्वे आपके सामने है। अब इसमें देखिए आप किस तरह से जो है वो 3 चुनावों में वोटिंग प्रतिशत का नफा नुकसान, कैसे इसमें नफा नुकसान हुआ है। 2007 की अगर बात करें तो 2007 में जब 49% वोटिंग हुआ तो बीजेपी को 9 सीट मिलती है, सपा को 17 सीट मिलती है। 2012 में 57% वोट शेयर होता है तो बीजेपी को 6 सीटों का घाटा हो जाता है, 3 सीट पर बीजेपी आ जाती है, और समाजवादी पार्टी को 22 सीट का फायदा होता है, समाजवादी पार्टी 39 सीट पर चली जाती है। बसपा को जो है वो 14 सीटों का घाटा होता है, बसपा 13 पर आ जाती है। और 2017 में जब 62% हुआ, वोटिंग शेयर जब बढ़ गया, तो वोटिंग शेयर बढ़ने के बाद में बसपा को सीधे बीजेपी को सीधे तौर पर जो है वो 48 सीटों का फायदा जो है होता है, और 51 सीट पर इन 59 सीटों में से बीजेपी जो है वो जीत लेती है। उसके बाद में समाजवादी पार्टी को भयंकर नुकसान हुआ, 35 सीटों का नुकसान हुआ, और 4 पर आकर के समाजवादी पार्टी जो है वो रुक गई। तो ये जो है वो गणित आपके सामने है। आज जो वोटिंग हुई है, आज की वोटिंग में 9 जिले हैं जिसमें 59 सीटें हैं। 3 चुनावों में इन वोटों के आंकड़े आप देखिए, बांदा में 2022 में जो है वो आज 57% वोटिंग हुई है, 2017 में 59% वोटिंग हुई, और 2012 में जो है वो 57% वोटिंग हुई है।
इसी तरह से फतेहपुर में, हरदोई में, लखीमपुर खीरी में, लखनऊ में, पीलीभीत में, रायबरेली में, सीतापुर में और उन्नाव में, कुल मिलाकर के अगर टोटल अगर आप निकालेंगे तो 2022 में आज इन 9 जिलों में 60% मतदान हुआ है। वहीं पर 2017 की अगर बात करें तो 2017 में 2% जो है बड़ा था मतदान, 62.55% रहा था, और 2012 में जो है ये घटा हुआ था 5%, और उस वक्त में ये 57.52% था। तो ये जो मतदान गिरा है इसके मायने क्या हैं और इस मतदान के गिरने से जो है वो किसको नुकसान होगा, उस पर बात करेंगे। जो छुपी हुई स्टोरी है जो ग्राउंड पर आपको समझने से मिलेगी वो आपको बताएंगे, लेकिन एक आंकड़ा और आप देख लीजिए, उस पर फिर बात करेंगे। इस बार हर फेज में 2017 से कम मतदान हो रहा है। 2017 में जो मतदान हुआ था, इस बार 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, चारों चरणों में कम मतदान हो रहा है। पहले फेज में 58% हुआ है, 58 सीटें थी और 62% वोट हुआ है। दूसरे फेज में 55 सीटें थी, 64% मतदान हुआ है। तीसरे फेज में 59 सीटें थी और 60% जो है वो मतदान हुआ है। चौथे फेज में 59 सीटें थी और 57% जो है वो मतदान हुआ है। कुल 231 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और 62% जो है इसका मतदान प्रतिशत निकल करके आ रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो मतदान प्रतिशत अगर कम हो रहा है तो इसको किसका फायदा होगा। दोनों तरफ से जो है वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि नहीं हमको फायदा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमको फायदा है, और दोनों पार्टियां ये दे रही है तर्क कि अगर कम मतदान हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि लहर नहीं है, और लहर नहीं है तो फिर हम निकल करके आ रहे हैं, जो साइलेंट जो लहर है वो हमारे पक्ष में है। ये दोनों पार्टियों की तरफ से जो है वो दावे किए जा रहे हैं। अब इसके पीछे देखिए गणित क्या है वो आपको बताते हैं, जो जमीन पर हम लोग समझ पा रहे हैं। देखिए दरअसल क्या है कि बीजेपी का जो वोटर है वो साइलेंट हो गया है, और बीजेपी के वोटर में गुस्सा भी है, तो इसलिए बीजेपी का जो वोटर है वो घर से निकल नहीं रहा है। देखिए जो बात कही जा रही थी ब्राह्मण की और जो बात कही जा रही थी ठाकुर की कि वो नाराज हैं, तो ग्राउंड पर अगर आप जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा नाराजगी फिलहाल देखने को उतनी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो घूम फिर करके उनको आखिरी में वहीं पर जाना था वो जा रहे हैं। बाकी की अगर आप बात करें यादव और गैर यादव ओबीसी, वो उसके बाद में दलित, उसके बाद में मुस्लिम, वो जो है वो सपा की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसे में जो ठाकुर हैं ब्राह्मण हैं वो जो बीजेपी से नाराज हैं लेकिन वो सपा की तरफ जा नहीं सकते हैं, सपा को वोट डाल नहीं सकते हैं, अखिलेश यादव को वोट दे नहीं सकते हैं, तो लिहाजा वो क्या कर रहे हैं, वो अपने घर पर साइलेंट होकर के बैठ गए हैं। अगर वो जाते तो वो जो कवर होना था, जो ओबीसी और गैर ओबीसी जो अखिलेश को वोट करता उसका वो कवर करके उसकी भरपाई करके बीजेपी को वहाँ पर जिताने का काम करता, लेकिन यहाँ पर वो भरपाई वो लोग नहीं कर पा रहे हैं और उल्टा जो है यहाँ पर ये सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। यानी समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है वो ये ऐसे से बढ़ रहा है, बीजेपी का जो वोट शेयर है वो ऐसे से बढ़ना था लेकिन उसमें जो उसी का कोर वोटर है उससे नाराज है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात आप करिए क्योंकि कितने सारे जो है वो कांड हुए हैं पिछले 5 साल में, बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की बात करिए, योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से दिए गए जो बयानबाजी है उसकी बात करिए, मोदी सरकार की तरफ से जो बयान दिए गए उनकी बात आप करिए, कुछ जो है वो ब्राह्मण और ठाकुरों के अंदर जो पक्षपात किया गया उसकी बात आप करिए, उनकी वजह से जो बीजेपी का जो वोट शेयर बढ़ना था यहाँ तक आना था वो नहीं आ पा रहा है, और ये सीधे तौर पर 5% जो वोट शेयर जो कम हो रहा है ये बीजेपी का कम हो रहा है, इसको आप जमीन पर जो है महसूस कर सकते हैं। तो अब घूम फिर करके स्थिति ये आती है कि अभी तक जो 4 चरण के मतदान हुए इसमें आखिरकार क्या हो रहा है। 231 सीटें हो चुकी हैं, 231 सीटों का मतलब ये है कि 202 सीट का जो जादुई आंकड़ा है जो सरकार बनाने के लिए चाहिए वो पूरा हो चुका है। तो क्या कोई पार्टी ऐसी स्थिति में है कि वो चुनाव अभी जीत करके सरकार बना सके, इतनी एक तरफा लहर है? बिल्कुल नहीं है, इतना चुनाव जो है वो एक तरफा बिल्कुल नहीं है, अच्छा चुनाव है, बहुत अच्छा चुनाव है, हर कोई जो है वो इस बात को कह रहा है, और यही जो है बात समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती है क्योंकि हर व्यक्ति के मन में उत्तर प्रदेश में ये है कि एक अच्छा चुनाव है, खुला हुआ चुनाव है, दोनों तरफ से जो है वो बाजी फंसी हुई है। वरना 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले कोई इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि योगी आदित्यनाथ क्या कभी हार सकते हैं, और ये बात जो इस सिनेरियो आकर के खड़ा हो गया है, ऐसे में जो न्यूट्रल वोटर या जो फ्लोटर वोटर जिसको हम कहते हैं कि वो किसी से पूछ करके जाता है कि हाँ कौन जीत रहा है, जिसमें खास करके हमारी माताएं बहनें आती हैं,
कि कौन जीत रहा है, मैं अपना वोट खराब नहीं करूंगी, जो पार्टी जीत रही है मैं उसको अपना वोट डाल दूंगी, तो वो लोग जो है वो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो तैरता हुआ वोटर होता है, वो किसी की तरफ भी जाकर के जो है वो टिक जाता है। तो बहरहाल चार चरणों के मतदान के बाद में जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, वो आंकड़े खास करके बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए काफी डरावने हैं। अब जो तीन चरणों का चुनाव बच गया है, वो क्या बीजेपी एक तरफा, जिस तरह से पिछले 2017 की चुनाव की बात करें तो जो प्रदर्शन तब हुआ था, क्या उतना कर पाएगी, सवाल ये है। तो बहरहाल लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं, आंकड़ों के जरिए क्या कुछ निकल करके आ रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए, और लाखों की संख्या में आप लोग जो प्यार दे रहे हैं, उसी की वजह से दिन हो रात हो खबरों के साथ में, आपके साथ में जो है वो हम लोग खड़े रहते हैं। इस खबर को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और उत्तर प्रदेश में चार चरणों के मतदान के बाद में आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिए। सरकार किसकी बन रही है, लखनऊ में कौन आ रहा है इस बार, और लखनऊ से किसकी विदाई हो रही है, नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर